दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी में। दोस्तों आज के न्यूज़ जो है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके उन स्टूडेंट के लिए जो राजस्थान में सैनिटरी इंस्पेक्टर भर्ती का वेट करते हैं, उनके लिए खास इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि आप लोगों की मेहनत जो है धीरे धीरे जो है रंग ला रही है। तो दोस्तों अभी उपेन यादव जी को जो है आपके सामने झुकना पड़ा, क्योंकि आज दिन तक आपने देखा होगा पिछले 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ उपेन यादव जी ने सब भर्तियों की डिमांड उठाई है, लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर की नहीं उठाई है। आज पहली बार इन्होंने सैनिटरी इंस्पेक्टर की मांग उठाई है, और इसके लिए जो है इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्वीट से ट्वीट भी किया है, तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। 5 घंटे पहले का ये ट्वीट है, ठीक है, द उपेन यादव 5 आवर्स पहले का ये ट्वीट है, और इसमें आप देख सकते हैं ट्वीट में इन्होंने लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 2016 में सैनिटरी इंस्पेक्टर भर्ती निकाली गई थी, उसके बाद आज तक जो है भर्ती नहीं निकाली गई, लगातार भर्ती के लिए बेरोजगार अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, आपसे यही निवेदन है कि जल्द से जल्द सैनिटरी इंस्पेक्टर भर्ती निकाल कर बेरोजगारों को जो है राहत प्रदान करें। और आप इसको देख सकते हैं कितने बच्चे जो है कितनी बड़ी तादाद में जो है उपेन यादव जी के ऑफिस में पहुंचे हैं, और आगे से मैं आशा करता हूं आप सबका सपोर्ट इनको और ज़्यादा मिलेगा, तभी जो है आपकी मांग और प्रमुखता से जो है उपेन यादव जी उठा सकेंगे। क्योंकि पहले भी जो है उपेन यादव जी के पास स्टूडेंट गए थे, लेकिन इतना मात्रा में नहीं गए थे, आज पहली बार जो है लगा, खास करके मुझे भी लगा कि हाँ यार यूनिटी है, बस इनको थोड़ा सा जो है जागरूक करने की ज़रूरत है। और मैं सॉरी मांगना चाहूँगा उन स्टूडेंट से जिनसे मैंने ये बोला था कि मेरे यूट्यूब चैनल माध्यम से जो है मैं सभी बच्चों को बता दूंगा 22 तारीख से जो है जोधपुर से लड़के आ रहे। एक्चुअली क्या है, आज मेरा ऑफिस में वर्कलोड था और मुझे ध्यान भी नहीं रहा, 22 तारीख हो गई, इस वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बता नहीं पाया। तो बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जयपुर में रहते हुए उनको पता नहीं चला कि जोधपुर से स्टूडेंट आ रहे, तो वो जा भी नहीं पाए होंगे, ठीक है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो भी ऐसा अगर कोई प्लान होगा तो मैं ज़रूर अपने यूट्यूब के माध्यम से जो है आप लोगों को जानकारी दे दूँगा। थोड़ी सी आप लोगों का एक सपोर्ट चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हो 5 घंटे पहले की न्यूज़ है, 117 बच्चों ने जो है इसको रीट्वीट किया है और 426 बच्चों ने जो है इसको लाइक किया, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है 426 ने लाइक किया तो 426 रीट्वीट तो बनते हैं दोस्तों, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, जितने लाइक है उतने ही ट्वीट होनी चाहिए, रीट्वीट होना चाहिए, रीट्वीट कम नहीं होना चाहिए, भले से लाइक कम हो जाए लेकिन रीट्वीट ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीट्वीट करें और आपकी मांग को जो है सोशल मीडिया पे और ज़्यादा उठाने की कोशिश करें। और उपेन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इन बच्चों की आज पहली बार मांग उठाई है, और मैं आशा करता हूँ आगे भी जो है ये इन बच्चों की मांग प्रमुखता से उठाएंगे और हो सके तो धरना प्रदर्शन में भी जो है इन बच्चों का साथ देंगे। और जल्दी ही मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर, रेवन्यू इंस्पेक्टर, असिस्टेंट रेवन्यू इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवन्यू ऑफिसर और फायरमैन फायर ऑफिसर की भर्ती जल्द से जल्द जारी होगी। और जैसे कि अभी आप सबको पता है RI, ARI और सैनिटरी इंस्पेक्टर पद पर जो है विधि विभाग से स्वीकृति नहीं मिली है, तो आप सब के लिए जो है मैं दुआ करूंगा कि RI, ARI और सैनिटरी इंस्पेक्टर पद पर भी जो है राज्य सरकार जल्द से जल्द विधि विभाग से स्वीकृति लेकर के ये सारी वैकेंसी एक साथ निकालने की कृपा करेगी। तो दोस्तों अभी मैंने देखा है इन बच्चों को काफ़ी कम सपोर्ट मिला है, तो आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने राजस्थान के हर कोने से सभी स्टूडेंट जो है एक साथ मीटिंग अरेंज करिए और एक साथ जो है जयपुर में मिलने की कोशिश करिएगा, हो सके तो नेक्स्ट जो है आपका प्लान जो है मुख्यमंत्री जी से मिलने का होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो कड़ी है वो मुख्यमंत्री जी है जो इस पर डिसीजन लेंगे और ये वैकेंसी जो है निकालने की कोशिश करेंगे, और उससे पहले अगर हो सके तो शांति धारीवाल जी से भी मिलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो इस डिपार्टमेंट के जो है हेड है और इसके मंत्री है, तो उनके पास भी मिलना आपका जायज़ है, बनता है, तो आप उनसे भी समय लीजिए, मिलिए और इस वैकेंसीज की चर्चा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को साथ में जोड़ने के लिए आप जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की मांग मत उठाइए, RI, ARI और सैनिटरी इंस्पेक्टर तीनों भर्तियों की मांग उठाइए, क्योंकि तीनों पर ये अभी स्वीकृति नहीं है और लास्ट वैकेंसी 2015 में आती, उससे पहले कोई वैकेंसी नहीं आई, तो RI, ARI और SI तीनों ही पदों पर आपको जो है डिमांड रखनी है, प्रमुखता से रखनी है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इससे क्या है आपकी जो है संख्या बल भी बढ़ेगा बच्चों का, क्योंकि सारी वैकेंसी जो है RI, ARI ग्रेजुएशन बेस पे आती है, तो इस वजह से आपका संख्या बल बढ़ेगा तो आपको सपोर्ट मिलेगा ज़्यादा ज़्यादा, तो उन बच्चों को भी साथ में लेने की कोशिश करिएगा। आशा करता हूँ मेरे दिव्य जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।